देश में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, वो आज की तारीख में इस देश के प्रधानमंत्री का गुलाम बन चुका है, गुलाम बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है। और तभी वो 56 इंच कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, और तभी वो कहता है कि 400 पार 300 पार, क्योंकि बीजेपी के आपके सारे वहां बैठे। तो जो कंपनी ईवीएम बना रही है, वीवीपैट बना रही है, वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। इस देश में अगर हम सब लोग कामयाब हो गए इस ईवीएम को रोकने में और बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 400 पार, क्या मैं दावे के साथ कह रहा हूं मोदी अगर 40 भी पार कर जाए तो बता देगा। रोना धोना बंद करो, यूं हाथ रख के भीख मांगना बंद करो, शेर के पंजे की तरह बनाओ और इनसे अपना हक, अपने बच्चों का हक छीन लो। आज तक लड़ते लड़ते जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि समस्याएं हमारी एक नहीं है, समस्याएं हमारी बहुत। उन समस्याओं की चर्चा करने का कोई अर्थ इस समय मैं नहीं समझता, क्योंकि हम में से हर कोई जानता है हमारी समस्याएं क्या। जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। और हमारे सामने जो बिल्कुल दिख रहा है, जो सबसे बड़ा संकट है, उस संकट से हम कैसे निजात पाए, उस संकट से कैसे हम बाहर निकले, उस संकट को हम कैसे रोके। सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है। और मैं समझता हूं कि इस समय जो आपातकाल है वो एक ही है कि किस तरह से मोदी को उसका सच दुनिया के सामने लाके, उसका पर्दाफाश करके, ईवीएम को हटा के उसे सत्ता में आने से रोका जाए। इसके अलावा दूसरा मुझे नहीं लगता कुछ भी है। अगर हम ईवीएम को रोक पाए तो निश्चित रूप से हमारी जो बाकी दिक्कतें हैं, बाकी समस्याएं हैं, उनका समाधान का रास्ता भी निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले हर सूरत में ईवीएम को हमें रोकना पड़ेगा, और 2024 का चुनाव किसी कीमत में भी ईवीएम से ना हो पाए इसके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं, केवल सुनने की नहीं, लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई सड़क पर होती है, लड़ाई बंद कमरों में नहीं होती, घर में बैठ के नहीं होती, केवल सुनने से नहीं होती, सड़क पे आके कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने से होती है। अगर 4 महीने, आने वाले 4 महीने, आज 30 जनवरी है, कल 31, तो उसके बाद में फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। गिनती के 4 महीने इस देश के लोग अगर ईमानदारी से लड़ लिए, ईमानदारी से, तो इस देश का इतिहास ही कुछ और होगा। जो वो रचना चाह रहे हैं उससे बिल्कुल अलग होगा अगर ईमानदारी से आप लड़ लिए तो। और जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर इन्होंने भी ईमानदारी से काम किया तो दिल्ली को खड़ा करने में 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। और अकेले दिल्ली अगर खड़ा हो गई तो सरकार घुटनों पर आ जाएगी अगर दिल्ली खड़ा हो गई। तो अब हमें सिर्फ काम ही करना है, और काम क्या करना है, वो सच्चाई जो धीरे धीरे हम लोग बता रहे हैं, वो सच्चाई जो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, वो सच्चाई कि इस देश में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, वो आज की तारीख में इस देश के प्रधानमंत्री का गुलाम बन चुका है, उसकी जेब में रखा हुआ, पॉकेट में रखा हुआ सामान बन चुका है, उसको, उस रिश्ते को दुनिया के सामने बताना है। वो क्या है रिश्ता, हमने बाकायदा आरटीआई के माध्यम से खुलासा करके बताया कि सरकार और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक है, कहीं भी अलग नहीं है। जबकि इस देश के संविधान ने अनुच्छेद 324 के तहत इस देश के लिए एक इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन बनाया था, और वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, उस पर किसी का दबाव ना हो,
कहीं से भी कोई उसको छेड़ ना सके, उसके लिए सारे संवैधानिक प्रावधान किए थे। लेकिन इस ईवीएम को लाकर, इस ईवीएम के माध्यम से जो कंपनियां मशीनें बना रही हैं, एक ईसीआईएल हैदराबाद यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जो दोनों कंपनियां बना रही हैं, ये दोनों कंपनियां भारत सरकार की है, ये बाकायदा आरटीआई के माध्यम से हम लोगों को ने खुलासा किया। और आज एक और खुलासा किया है, बल्कि वो कई टीवी चैनल्स पर लगातार चल रहा है, और वो खुलासा ये है कि ये जो आपकी कंपनी है ना बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही है, सॉफ्टवेयर को और उस चिप को दोनों पे असेंबल कर रही है, ये बीजेपी की एक तरह से संस्था है, बीजेपी की, भारत सरकार की नहीं। वो क्या है खुलासा कि जो बीईएल कंपनी है, इस बीईएल कंपनी में कुल 7 डायरेक्टर हैं और उन 7 डायरेक्टरों में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं, 4। तो बीईएल कंपनी जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, बीईएल न रह के आज की तारीख में बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जगह पर। यानी कि जो कंपनी मशीन बना रही है उसमें कौन व्यक्ति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और 4 लोगों में उनका नाम बताता हूं आपको कौन कौन है। एक है डॉक्टर पार्थ सारथी, ये ओबीसी जो मोर्चा है बीजेपी का, उसके नेशनल सेक्रेटरी है, ये एक डायरेक्टर है बीएल के। दूसरे हैं ये मनसुख भाई, श्याम जी भाई कचारिया, ये राजकोट से है और राजकोट में बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये बड़ा बिजनेसमैन है, साइंस का विद्यार्थी है, ये उसका डायरेक्टर है। और तीसरा है शिवनाथ यादव, ये उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का और बनारस का रहने वाला है ये व्यक्ति, ये भी उसका डायरेक्टर है। और चौथा है श्रीमती श्यामा सिंह, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रही है बिहार से बीजेपी की, ये भी डायरेक्टर है। यानी 7 में से 4 डायरेक्टर उस कंपनी के जो बिल्कुल अलग होनी चाहिए थी, उसमें ये बीजेपी के लोग हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर और जो चिप है वो कैसे काम करेगी, वो करते मोटे मोटे शब्दों में कहो कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितनी वोट देनी है, कितनी नहीं देनी, किसको जिताना, किसको हराना, ये सारा वो काम ये कर रहे हैं। और ये जो सारे लोग हैं, इनको जो एक कमेटी है इलेक्शन कमीशन की, एक्सपर्ट कमेटी, उसमें भी 4 जो साइंटिस्ट हैं, जो आईआईटी के लोग हैं, वो भी सारे के सारे बीजेपी के आदमी हैं। तो जो कंपनी ईवीएम बना रही है, वीवीपैट बना रही है, वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। इससे बड़ा इस देश के लोगों के साथ होगा क्या होगा, और इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा। और तभी वो 56 इंची कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, और तभी वो कहता है कि 400 पार, 300 पार, क्योंकि बीजेपी के आदमी सारे वहां बैठे। इस बात को मैं आप सबसे कहूंगा, सबको जाके बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, और हर जगह उनके आदमी बैठे हैं। एक बार इस देश में अगर हम सब लोग कामयाब हो गए इस ईवीएम को रोकने में और बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 400 पार, क्या मैं दावे के साथ कह रहा हूं मोदी अगर 40 भी पार कर जाए तो बता देगा, 40 तो आने के बाद। लेकिन ये बात हम सबको, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने जितने भी समाज के लोग हैं और लोग हैं, उन सबको बताना है कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन नहीं है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन जब से हमने ईवीएम का मुद्दा उठाया और जंतर मंतर पर 6 तारीख पर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, उसके बाद से 40,000 वैन इलेक्शन कमीशन की घूम रही है अलग अलग जगह पे ईवीएम का प्रदर्शन करते हुए। और उन वैन पे क्या लिखा है, उन वैन में लिखा है मोदी की गारंटी। वैन किसकी है, इलेक्शन कमीशन की। ईवीएम किसकी है, इलेक्शन कमीशन की, लेकिन मोदी की गारंटी। तो साफ है कि मोदी के ही हाथ में सब कुछ है, और जब सब कुछ उसके हाथ में, इसीलिए गारंटी वो दे रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है, नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्लें नहीं बचेंगी, किसानों की फसलें नहीं बचेंगी।
इसलिए ये सिर्फ 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में जितनी मजबूती के साथ लड़ सकते हो लड़ो, लोगों को जगाओ, सड़क पर लेकर आओ, और चाहे जो भी कुछ हो जाए, मरना है तो शान से मरेंगे, लड़के मरेंगे, गीदड़ की मौत क्यों मरेंगे, घर पर बैठ के तो मरेंगे, सड़क पर मरेंगे, यही हमें काम करना है। अगर ये कर पाए तो हम अपने बच्चों के सामने आंखें मिलाकर खड़े हो सकेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे, अन्यथा बचेगा कुछ नहीं, कुछ भी। ये हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, मेरा बार बार ये रहा है, काहे की जरूरत है आपको इनसे कहने की कि तुम जातिगत जनगणना कराओ, अरे ईवीएम हटाओ, सत्ता में तुम खुदाओ, अपने आप जैसी चाहो जनगणना कर लेना, क्या दिक्कत है इसमें। जिस आरक्षण की बात कर रहे हो वो किसी कीमत पर आपको आरक्षण नहीं देंगे, ये निजीकरण, ये ठेका पट्टा, ये सब कुछ आरक्षण को खत्म करने का है, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इसे खत्म कर चुके हैं, कुछ नहीं मिलेगा। रोना धोना बंद करो, यूं हाथ रख के भीख मांगना बंद करो, शेर के पंजे की तरह बनाओ और इनसे अपना हक, अपने बच्चों का हक छीन लो, तभी बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।